Assalamualaikum, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अल्लाह से हमेशा दुआ करते हैं कि सब कोई अच्छे रहे। तो आज हम लोग जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वो है मटन हांडी की। मटन हांडी यानी कि आइए आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मटन हांडी के लिए मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ली हूँ वो दिखाती हूँ। सबसे पहले दिखाती हूँ ये है मटकी, मिट्टी से बना हुआ जो मटकी होता है वो, ये मटकी है, मैंने इसे लिया है और इसे मैंने रोटी वाली जो चकली होती है उसके ऊपर इसको टिका के रखा हुआ है। और ये है मटन, मटन मैंने पूरे 2 केजी लिए हैं। ये है खस्सी का मटन, पूरा 2 केजी है। ये है प्याज, प्याज भी कम से कम 1.5 किलो 1 किलो के आसपास है, 1 किलो से ज़्यादा है, 1.5 किलो से थोड़ा सा कम है। और ये है अदरक लहसुन, अदरक को मैंने कूर लिया है और लहसुन पूरी तरीके से खड़ा है। और मसाले में मैंने क्या क्या लिया है वो दिखा देती हूँ आपको। मैंने मसाले में लिया है हल्दी, गरम मसाला, ये मम्मी का जो मैजिक मसाला है गरम मसाला वो है। ये है काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड हम नहीं करेंगे। और आज आपको दिखाते हैं मटन हांडी। ये भी मटन हांडी मेरे स्टाइल में है, वैसे मैं इसे गरम मसाले से बनाती बट मैंने सोचा मतलब खड़े मसाले से बनाती बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें पिसे हुए मसाले का यूज कर रही हूँ। और कभी टाइम मिला और मौका मिला तो मैं आपको इसको खड़े मसाले में भी पूरी अच्छी तरीके से बना के दिखाऊंगी। तो आइए वीडियो शेयर करते हैं और आगे की स्टेप। इसमें सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं मटन, जितने भी मटन है हमारे पास सारे मटन को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसे बिना पानी डाले ऐसे ही छोड़ दूंगी, एक बूंद भी मैं पानी का यूज इसमें नहीं करूंगी। ये अपने ही पानी से इस तरीके से पक के ग्रेवी हो जाएगा जब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो ये खुद ब खुद पानी छोड़ेगा और फिर उसी पानी से ये गल भी जाएगा। मैं आगे की वीडियो में भी आपको इन सब चीज़ों को दिखाऊँगी कि बस इसको चलाते रहना है ताकि प्याज अदरक लहसुन सब चीज़ आपस में मिक्स हो जाए और टूट जाए, ग्रेवी तैयार हो जाए उसकी अच्छी सी। आइए आगे की वीडियो में भी दिखाते हैं। मैंने इसमें एक तो देखिए किस तरीके से सारी चीज़ें मेल्ट हो गई हैं, खड़ा लहसुन था, अदरक था, प्याज था, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इसमें मैंने कुछ लहसुन के जवे डाले हैं जो आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये मैंने इसमें कुछ भी पानी का यूज़ नहीं किया, फिर भी देखिए किस तरीके से पानी छोड़ के रखा है ये, क्योंकि ये धीमे आंच में मैंने बनाया ना, एकदम आंच को मैंने कम कर दिया था, मध्यम आंच में अच्छी तरीके से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। और ये भी धीरे धीरे ऐसे ही सूख जाएगा। अगर आपको सूखा खाना है तो इसको जितना सूखा खाना है उतना सूखा कर लीजिए, अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो आप आपके अकॉर्डिंग है। और ये अच्छी तरीके से गल भी गया है, जो थोड़ा बहुत बचा है जब तक इसका पानी खुश्क होगा सूखेगा तब तक ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। और ये लगा भी नहीं है कहीं, तो डर रही थी लगेगा करके लेकिन लगा नहीं। अब ये हो गया है रेडी। देखिए किस तरीके से ऑयल इसमें से दिखाई दे रहा है। इसमें डालेंगे सिर्फ धनिया की पत्ती और ये सर्व करने के लिए है तैयार। तो प्लीज़ आप लोग इस मटन हांडी को एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है। ये वीडियो मैंने रात में बनाई थी और टेस्ट भी किया था, बहुत बेस्ट लगा था। और मैंने खुद फर्स्ट टाइम बनाया था, इससे पहले घर में कई बार बना था बट मैं नहीं बनाई थी उसको, लेकिन आज फर्स्ट टाइम बनाई, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा टेस्ट लगा कि सुबह जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग दे रही थी तो जैसे लग रहा था क्या तारीफ़ कर दूँ इसकी।
बट खुद बनाई थी इसलिए तारीफ निकल रहा था मुझसे, इसलिए आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए कैसा लगा। बहुत टेस्टी लगता है। ये है मेरी प्लेट, मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया, जो भी बना था टेस्ट की वजह से जल्द उसको लिया और खाने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे मटन हांडी फर्स्ट टाइम खा रही थी, फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि मैं कब खा लूँ, कब अच्छे से इसको ट्राई कर लूँ। तो आप लोग भी बनाइए और ट्राई कीजिए और बताइए कैसा बना है। आज घर में था भाई का बर्थडे, मछली वाले भाई का बर्थडे था, इसलिए हम लोगों ने इसको प्लान किया और बनाया। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए और बताइए कि कैसा बना है। मेरा मटन हांडी रेडी है खाने के लिए, तो आइए आप लोग भी खाइए और मेरे साथ बताइए कैसा लगा आप लोगों को भी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। करना पड़ रहा है वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि हल्ला भी हो रहा था और बाकी सारे लोग कंफर्टेबल नहीं थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि हिना का कैमरा चालू था, भाई लोग भी कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग दिया और सारे लोगों को कैच नहीं किया मोबाइल में। तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया, मैंने कहा था आप लोगों से कि सलमान खान मेरे चैनल पर आएगा, तो मेरा सलमान खान तो आ गया मेरे चैनल पर। इसने मुझसे वादा किया था कि ठीक है मैं अपने बर्थडे के दिन तेरे चैनल पे आ जाऊंगा, वरना ये लोग जल्दी चैनल पे आने का नाम बिल्कुल नहीं लेते, दोनों तीनों भाई बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन थैंक्स, जैसे भी अच्छे हैं भाई हैं, मम्मी है, मम्मी भी जानती हैं कैमरा ऑन है, इसलिए मम्मी भी बोली कि मेरे को ज़्यादा कैचअप मत करो। और बच्चे अपने केक का वेट कर रहे हैं, अल्फी तो केक मुँह में जा रहा है उसके और ख़त्म हो जा रहा है, फिर वो वेट कर रही है केक का, अब मुझे भी केक खिला रहा है, अब याद था उसको। बच्चे लोग से उसको फुर्सत ही नहीं मिल रहा, वो बच्चे लोगों को खिला रहा है, उन लोग के मुंह से ख़त्म हो जा रहा है, फिर उन लोग मांग रहे हैं। हम लोग ऐसे ही बर्थडे इंजॉय करते हैं, बस फैमिली मेम्बर रहते हैं और जो भी बनाना खाना रहता है स्पेशल बनाते हैं, खाते हैं, और खुशी मनाने के लिए मौका नहीं छोड़ना चाहिए, खुशी मनाने का कोई भी मौका हो उसे इंजॉय करना चाहिए, बर्थडे सड्डे मनाना है नहीं मनाना ये तो अलग ही बात है, बट खुश रहने का और बच्चों के साथ फैमिली के साथ खुश रहने का जो मौका है, सेलिब्रेट करने का जो मौका है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा।